हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया 1973 के बारे में। आज का वीडियोस खास करके हमारा जो है यूपी एपीओ टारगेटेड वीडियोस है, ठीक है। और इसमें जो है आज के इस वीडियो में हम बेसिक जो बातें हैं यानी कि बेसिक पॉइंट्स ऑफ सीआरपीसी उसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, शॉर्ट में इसे जो है हम लोग सीआरपीसी कहते हैं, हिंदी में इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कहते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, 1882 से पहले, ठीक है, यानी कि पूरे देश में जो है इससे कोई अधिनियम नहीं था, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो कोई एक्ट ही नहीं था, कोई अधिनियम नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1882 ईस्वी में, यानी कि ये इससे पहले नहीं थे, 1882 ईस्वी में क्या हुआ कि एक अधिनियम लेके आएगा जिसे दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अगर देखें 1882 में ये अधिनियम आया, ठीक है। उसके बाद जो है 1898 में, 1898 में जो है फिर आगे जो है इसे जो है बनाया गया, ठीक है, मतलब फिर से इसमें कुछ सुधार किया गया। उसके बाद फिर 1898 की जो सीआरपीसी थी, ठीक है, उसमें सुधार करके जो है फिर 1973 में लेके आया गया एक नई सीआरपीसी, जो अभी देख रहे हो जो हमारा जो सीआरपीसी हम लोग पढ़ेंगे वो 1973 का जो है सीआरपीसी पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जो लागू वाली बात है कि कब ये लागू हुआ था, तो देखो ये 1 अप्रैल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1974 से जो है ये लागू हुआ था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। उसके साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें इसमें कितने जो है, इसमें टोटल कितने जो है सेक्शन हैं और कितने जो है टोटल चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल हैं, तो ये चीज़ समझ लेना यहीं पे साथ ही साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, टोटल सेक्शन की बात करते हैं तो 484 जो है इसमें सेक्शन यानी कि धाराएं हैं। उसके साथ ही साथ जो है इसमें अगर शेड्यूल की बात करते हैं और चैप्टर की बात कर लेते, टोटल 37 चैप्टर हैं। शेड्यूल यानी कि अनुसूची की बात करते तो इसमें 2 जो है अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये जो है टोटल कितने हैं, चैप्टर जो है टोटल चैप्टर कितने हैं, 37 हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें सेक्शन की तो 484 है, और शेड्यूल यानी कि अनुसूची की बात करते हैं तो वो कितने हैं, 2 जो है अनुसूचियाँ हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वीडियोस का ये जो है वीडियोस कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि 1882 से पहले कोई कानून नहीं था दंड प्रक्रिया से संबंधित, फिर धीरे धीरे जो है 1882 में आया, फिर संशोधन होकर के 1898, फिर फाइनली 1973 में आया। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, ऐसे बहुत सारे संशोधन हुए, ठीक है, 1898 के बाद जो है फिर 1923 में हुआ, ठीक है, फिर 1955 हुआ संशोधन, 1978 में हुआ, ठीक है, 2006 में हुआ, 2008 में हुआ, ठीक है, ऐसे फिर 2009 में बहुत सारे संशोधन हुए, ठीक है, ये सब करते करते देखो, लेकिन 2013 में, ठीक है, 2013 में जो है काफ़ी वास्ट लेवल पे संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये जो इतनी सारी संशोधन करने के बाद जो है हमारी सीआरपीसी जो है अभी फ़िलहाल में हाल फिलहाल संशोधन सहित जो है लागू है, ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ लेना ज़रूरी है। अब देखो जो इसमें इसका जो मेन इफेक्ट की बात करते हैं, ये जो सीआरपीसी का मेन प्रभाव है उसके लिए एक सेक्शन है, वो मैं सेक्शन का जिक्र करता हूँ। उसके लिए एक सेक्शन है 4 एंड 5, ये क्या कहता है, सेक्शन 4 एंड 5 की बात ध्यान से समझो, ये दोनों ना सम्मिलित प्रभाव रखते हैं, ठीक है, किसके लिए, अपराधों के विचारण के लिए, अपराधों के भी, इसको पहले हम समझाएंगे, ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट में यहीं पे हम समझा देंगे, ठीक है, यानी कि अपराधों के विचारण की बात है।
ठीक है। क्यों इसको यहाँ पे हम बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से फिर जब ये फोर और स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बता देंगे। तो फोर और फाइव, यहाँ पे फाइव फोर, इसको दोनों को जिक्र करने की ज़रूरत ये है कि इसका क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, विचारण के दौरान। तो यहाँ पे जो दोनों का सम्मिलित प्रभाव पड़ेगा, इसमें दो चीज़ें हमको समझना है। सबसे पहले ए में क्या है, एक तो वो यानी कि जो सीआरपीसी के अंदर जो अपराधों का जो विचारण होता है वो आईपीसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि आईपीसी के अधीन अपराधों का अन्वेषण, ठीक है, आईपीसी के अधीन जो है अपराधों का अन्वेषण, ठीक है। उसके बाद जांच प्रक्रिया विचारण जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे आईपीसी के अधीन होगा, ठीक है। तो ये है, ये बताया गया सेक्शन फोर क्लॉज वन में, ठीक है। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा में ये है कि किसी अदर लॉ के द्वारा, कोई अदर लॉ है, अन्य विधियों के अधीन जो है विचारण या उससे संबंधित कार्रवाइयों में जो है क्या है, ये बात करता है, ठीक है, सीआरपीसी का सेक्शन फोर क्लॉज टू, ठीक। तो हम लोगों ने दो देखा, एक तो सेक्शन फोर क्लास वन जो स्पेशल बताता है आईपीसी के अधीन अपराधों का अन्वेषण जांच विचारण और उससे संबंधित जो कुछ भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सीआरपीसी के अनुसार की जाएंगी, ठीक है, वो किसके द्वारा, सीआरपीसी के अनुसार की जाएंगी। और उसके बाद जो दूसरी पार्ट है, जो अदर लॉ है यानी कि अन्य विधियाँ हैं उसके अधीन कुछ भी होगा, चाहे अपराध का हुआ या उससे संबंधित अन्वेषण हुआ या विचारण हुआ, उसके संबंध में जो है अन्य कार्रवाइयाँ जो कुछ भी होगा सीआरपीसी के अनुसार की जाएंगी। जैसे मान लो हिंदू लॉ ले लो, हिंदू लॉ में अगर कोई भी चीज़ हुआ तो जो कुछ भी विचारण हुआ, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो है ना वो इसी लॉ से यानी कि सीआरपीसी के अधीन जो है होंगे ये चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसे ये कह सकते हैं ना कि ये लॉ का कंप्लीट जो है रूल नहीं है, दिस इज़ नॉट जो है कंप्लीट रूल, कंप्लीट रूल ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, यानी कि अपने आप में जो है परिपूर्ण नहीं है। तो यानी कि यहाँ एक चीज़ समझना है कि कुछ ऐसे मामले हैं, सम मैटर्स जो है ऐसे हैं जो इनके यानी कि अदर देन सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी के अलावा जो है उनके विचार जांच वगैरह की जाते हैं। तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं जो सीआरपीसी के अलावा जो बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि न्यायालय की एक कानून बनाता है, न्यायालय अवमान अधिनियम, ठीक है, न्यायालय अवमान अधिनियम, ठीक है। अब देखो न्यायालय अवमान अधिनियम में क्या है, इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है, ठीक है, हाई कोर्ट के पास स्पेशल पावर है कि वो क्या करेगा, वो विशेष विधि के अंतर्गत जो है उसकी मानी जाएगी, सर वो सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी, यानी कि हाई कोर्ट खुद जो है वो क्या करेगा, जो अवमान जिसने किया उसको जो है क्या करेगा, उसको पनिश करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है स्थानीय विधि मानी जाएगी, यानी कि ये कह लो कि यहाँ पे जो होगा ना सीआरपीसी के थ्रू नहीं इसको रेगुलेट किया जाएगा, उसका खुद का लॉ है, वो अपने हिसाब से वो करेगा। वैसे ही फेमा से संबंधित, ठीक है, फेमा से संबंधित जो मामले होंगे उसमें सीआरपीसी लागू नहीं होगी, ठीक है। ये केस बताया गया था, एक केस था सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये मामला था, उसमें जो है ये बताया गया कि सीआरपीसी जो है फेमा संबंधित मामलों में लागू नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो कि जो किशोरों से संबंधित मामले हैं यानी कि जो बाल अपराधी हैं, ठीक है, बाल अपराधी, ठीक है, उनके संबंधित मामले लागू नहीं होंगे, यानी वहाँ पे सीआरपीसी लागू नहीं होगा, यानी कि ये समझ लेना कि जो है जो छोटे बालक होते हैं वो अपराध करके चले हैं उन्हें बाल अपराधी कहा जाता है, ठीक है, या किशोर अपराधी कहा जाता है, तो उनसे उनसे संबंधित जो अलग जो है लॉ है वहाँ पे सीआरपीसी जो है अप्लाई नहीं होती है। ये सेक्शन जो है ये से रिलेटेड सेक्शन 27 सीआरपीसी, ठीक है, तो याद रखना। इसका एक केस है रघुबीर रघुबीर
वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, स्टेट ऑफ हरियाणा का ये मामला है, वहाँ पे जो है ये लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो एक और देख लेते हैं कि यदि किसी विधि के अंतर्गत ये मान के चलना कि अपराध के लिए कोई विभिन्न प्रक्रिया दी गई है, ठीक है, तो उस संबंध में जो है सीआरपीसी लागू नहीं होगा। ऑलरेडी जो है पहले से किसी जो है लॉ में बताया गया है कि इस प्रक्रिया से जो है पनिशमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे सीआरपीसी लागू नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि क्या होता है कि देखो फिर से एक बार हम रिकॉल कराते हैं, ये है यहाँ पे कि सेक्शन 4 का क्लास 1 और क्लास 2 दो चीज़ें बताता है, ठीक है, कि सीआर पहले तो ये कहाँ पे लागू होगा, ठीक है, वेयर अप्लाई सीआरपीसी कहाँ लागू होगा। तो दो चीज़ें यहाँ निकल के आए, एक तो 4 क्लास 1, ठीक है, दूसरा 4 क्लास 2। तो ये कहा गया कि सीआरपीसी में आईपीसी के अधीन, ठीक है, आईपीसी के अधीन जितनी भी सारी अपराध आते हैं उनका विचारण जो है वो सीआरपीसी का अधीन की जाएगा, ठीक है। और 4 क्लास 2 ये कहता है कि कोई अन्य विधि है उसके संबंधित जो भी कुछ विचारण या जांच जो कुछ भी दिया हुआ अगर उसमें अन्यथा न हो तो भी कहाँ से होगा, तो ये दोनों केस जो है कौन हैंडल करेगा, सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ये 4 क्लास 2 में बताया गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, 4 क्लास 2 की कुछ लिमिटेशन भी हैं, ठीक है, क्या लिमिटेशन है, अगर मान लो कि जो अदर लॉ हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि इस मेथड से जिसको पनिश किया जाएगा, इस मेथड से ट्रायल होगा, तो सीआरपीसी वहाँ पे लागू नहीं होगी। दूसरा इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर स्थानीय कोई या लोकल लॉ है वहाँ पे, ठीक है, जो स्पेशल प्रोसेस दिए गए हैं उसके प्रक्रिया के हिसाब से उसके पावर दिए गए हैं इस, तो ऐसे संबंध में सीआरपीसी लागू नहीं होगी। तो हमने देखा कि जो जो मेन रूल है वो तो ये कहता है कि आईपीसी और अदर लॉ अगर अन्यथा ना हो तो लागू होगा, लेकिन लिमिटेशन ये भी बताता है कि अगर ऐसे लॉ में क्या होता है कोई प्रावधान दिया है कि इसी विधि से लागू हो, ठीक है, यही कार्रवाई इसमें इस प्रोसेस से हो या किसी स्थानीय विशेष विधि उस पर लागू हो रही है, तो इन दोनों मामलों में जो है सीआरपीसी लागू नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि और कहाँ कहाँ सीआरपीसी लागू नहीं होते हैं, तो हमने देखा कि जो जो बाल अपराधी होते हैं, ठीक है, उनके मामलों में सीआरपीसी लागू नहीं होता है। उसके बाद न्यायालय जो अवमान अधिनियम में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब होता है तो वहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर होता है, ठीक है, जो भी कुछ प्रोसीजर होता है वहाँ पे सीआरपीसी लागू नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है किसी विधि के अंतर्गत अपराध के लिए जो कोई भिन्न प्रक्रिया दी गई, कोई अलग प्रक्रिया दी हो, वहाँ पे लागू नहीं हुआ, ठीक है। एक एनडीपीएस एक्ट आता है जिसका सेक्शन 37, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट का ये एक विशेष जो है जमानत का प्रावधान करती है, इसमें जो है सीआरपीसी के अंतर्गत आने वाले जमानत के भी प्रोसेस नहीं फॉलो होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किन किन मामलों में जो है सीआरपीसी लागू नहीं होती है और कहां कहां पे लागू होती है। तो ये सेक्शन 4 का क्लास 1 और 2 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दोनों साथ में साथ हमको देखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी का सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1, ठीक है, इसमें टोटल देखो अगर हम बात करें कि चैप्टर 1 की, ठीक है, तो चैप्टर 1 में टोटल जो है 5 सेक्शन है, सेक्शन 1, जो कि बात करता है संक्षिप्त नाम और विस्तार की, ठीक है, ये संक्षिप्त नाम और विस्तार की बात करता है। और सेक्शन जो 2 है जो बताता है डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं इसको, इसमें परिभाषा खंड है। उसके बाद सेक्शन 3 जो है निर्देशों का अर्थ लगाना है, ठीक है। सेक्शन 4 जो है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन विचारण, जो अभी हमने बताया 4 क्लास 1 और 4 क्लास 2। और सेक्शन 5 जो है वो सेविंग क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको साथ ही साथ हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको सेक्शन 1 देखना है और डेफिनेशन क्लॉज, तो डेफिनेशन क्लॉज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज के इस वीडियो में यहीं तक हम कवर करेंगे। सेक्शन 2 काफ़ी पूरा डेफिनेशन क्लॉज जो है बड़ा होगा, फिर एक बार सेक्शन 4 को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे सेक्शन 1 को, ठीक है। सेक्शन 1 क्या कहता है, देखो सीधे सीधे सेक्शन 1 की बात है कि ये बताता है
कि उसकी जो भौगोलिक विस्तार है, ठीक है, भौगोलिक विस्तार के बारे में ये बताता है कि कहाँ पे ये लागू होगा, ठीक है, ये याद रखना, किस जगहों पे लागू होगा, कैसे इसका विस्तार है, क्या इसके बारे में बताता है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे एक चीज़ ये समझ लेना कि ये जो है ये होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया ये लागू होगा कब से। देखो पहले तो ऐसा नहीं था, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है ये पूरा जो है संपूर्ण भारत में लागू होगा। लेकिन इसमें जो है दो पॉइंट हमको समझना है, कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, देखो पहला पॉइंट ये है, एक तो पूरा ऑल इंडिया में लागू होगा, ठीक है, पूरे भारत में लागू होगा। दूसरा नंबर है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है, जैसे जो नागालैंड है, नागालैंड हुआ, और जो भी जनजाति क्षेत्र हैं, ठीक है, शेड्यूल जो ट्राइब एरियाज हैं वहाँ पे जो है ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे लॉ बना करके जो वहाँ पे लागू करा सकती है। यानी कि दो चीज़ें हुई, कहाँ पे ये लागू है, विस्तार क्या है, तो विस्तार मतलब सभी जगहों पे, पूरे भारत में है। लेकिन ये कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई हैं, पहला कि नागालैंड और स्टेट जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं वहाँ पे जो जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ पे लागू नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लागू करा सकती है। तो ये सेक्शन वन का क्लास 2 का प्रोविज़ो है, ये बताता है कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लागू करा सकती है। यहाँ पे चैप्टर 8, 10 और 11, ठीक है, के उपबंध लागू होंगे, यानी कि नागालैंड और स्टेट जो गवर्नमेंट अगर चाहे तो शेड्यूल इन सब पर लागू करा सकती है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर 8, 10 और 11 के जो है प्रोविजंस यहाँ पे लागू होंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो अभी हम देखेंगे कि जो ये जो सीआरपीसी है, यानी कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, संहिता का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखो, जो एक्यूज्ड होता है ना, ठीक है, जो अभियुक्त होता है, ठीक है, उसका जो विचारण है, उसका जो अभियोग है, उस वो सभी जो है करना, ठीक है। फिर साक्षियों का जो साक्ष्य है उसका पता लगाना, ठीक है, वो भी कहाँ होगा, इसी में आएगा, ठीक है। अभियुक्त का विचारण करना, साक्षियों का पता लगाना, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आती हैं, अपराधों के निवारण का कार्य करना, ठीक है, अपराधों के निवारण का कार्य करना, लोक शांति व्यवस्था बनाए रखना, फिर स्त्रियों और बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए जो भरण पोषण का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है विचारण को युक्तियुक्त सुनिश्चित करना, ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक उद्देश्य नहीं है इसका, बहुत ज़्यादा उद्देश्य, ये तो हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट उद्देश्य बता रहे हैं, लेकिन उद्देश्य तो बहुत ही है यहाँ पे, ठीक है। विचारण में युक्तियुक्तता सुनिश्चित करना, ठीक है, लोक शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, उसके बाद जो है साक्ष्यों का पता लगाना, अभियुक्त का विचारण करना, ठीक है, उस पर अभियोग लगाना, ठीक है, ये सब जो है इसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और जो कुछ भी यहाँ पे जो ये होगा, जो जस्टिस होंगी वो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने आज के इस वीडियो सेशन में जो क्लियर किया कि बेसिक जो इंट्रोडक्शन है कि सीआरपीसी कहाँ लागू होती है, कैसे क्या होती है, उन सभी चीज़ों को हमने देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम जो डेफिनेशन क्लॉज है वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।